2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। विपक्षी पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी के बीच ममता बनर्जी ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी। 24 जनवरी को ये बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर भड़ास भी निकाली। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया, इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। सुनिए। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স, আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলুটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলুটলি রং। কোনো কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে, ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে নাটুরকে দুটো। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? ममता बनर्जी के फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सफर यहीं रुक जाए। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे। वहीं आरजेडी से सांसद मनोज झा ने कहा, ये आपसी विरोध है, सुलझा लिया जाएगा। सुलझा लिया जाएगा, अकेले अब हो गई, वो अलग हो गई, ये सब बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन है, इससे बचना चाहिए। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ, जीतन राम मांझी जी को मैं एक राजनेता मानता था और वही मानता रहूंगा। ममता बनर्जी के बयानों पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि ये गठबंधन अप्राकृतिक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है, और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए है, उसमें कांग्रेस वर्कर्स और जो सीपीएम के वर्कर्स है उनको मर्डर किया गया, मारा गया, पीटा गया टीएमसी के लोगों के द्वारा। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया जी और ममता बनर्जी या सीताराम येचुरी जी चाय पीने से कि गठबंधन ऊपर हो जाएगा और नीचे के कार्यकर्ता मार खाएंगे और वो टीएमसी को वोट देंगे इलेक्शन में, ऐसा मत देंगे, मतदान करेंगे टीएमसी के फेवर में, ऐसा होने वाला नहीं था। वहीं कर्नाटक बीजेपी नेता आर अशोक ने कांग्रेस को नालायक बता दिया। कांग्रेस पार्टी इज नालायक पार्टी, ममता बनर्जी डिसाइडेड कांग्रेस पार्टी इज नालायक पार्टी। इफ हैव ए नो पर्सन इन द कंटेस्टिंग इन वेस्ट बंगाल, देयर इज अ नो लीडर इन कांग्रेस पार्टी, मींस नालायक पार्टी। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला लिया था। इसकी वजह से कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट तीनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस की 2 सीटें कम हुई, लेफ्ट की भी 2 सीटें कम हुई थी। टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि 2014 के मुकाबले उनकी 12 सीटें कम हो गई थी। 42 में से कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई, जबकि बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली।